मियां नवाज शरीफ के मुंह पे अगर लकीरें लगी हुई हैं तो यहाँ पे इमरान खान के मुंह के ऊपर भी काल के मली हुई। एक का रावण जस्टिस मंसूर है तो दूसरे का रावण काजी फाइज ईसा है। का आठ का टोला इसके अंदर ये दो जज बहुत दो नंबर ऐड कह के महात्मा गांधी जो है ना उन्होंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की गई है। और यहाँ पे जस्टिस काजी फाइज ईसा को क्यों शामिल किया गया है, पाकिस्तान के आप हालात के ऊपर अगर आप नज़र डालें, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे साहब, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर नज़र डालें तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि काजी फाइज ईसा अपनी रिटायरमेंट के अगले ही दिन इस मुल्क से बाहर क्यों गए, उनकी जुर्रत कैसे हुई और अब जो उनके साथ होगा वो कुत्ते वाला हाल होगा। ये बिल्कुल यही वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है पाकिस्तान का कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अपने असली घर लंदन में वापस चले गए। वो क्यों उनके वो कैसे चले गए और वो क्यों गए, और अगर वो चले गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते और पाकिस्तान उनका बस दूसरा घर है, यहाँ पे वो लूटने के लिए आते हैं और लूट खसूट के चले जाते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है दूसरी साइड का वो है आठ का टोला। आठ का टोला इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान कर रहा है उस लॉबी को जो ख़ास तौर पर NTPTI है। इसके साथ अदालत के अंदर क्या होने जा रहा है ये भी बहुत सी अहम चीज़ें हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जनाब इसमें आप फौरी तौर पे नए इलेक्शन जो हैं वो करवा दें। इस हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं और 17वीं जो है तरमीम है वो आ रही है, वो क्यों आ रही है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इस वक्त PTI के अंदर किस तरीके से दो नंबरी की जा रही है, किस तरीके से अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और अदलिया में सुकून आ गया है या नहीं आया, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज तफसील से बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर कैसे गए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं हर रोज़ शो करता हूँ और हमारा काम यही है कि न्यूज़ फ्लो के अंदर से हर वक्त गुजरते रहना और ख़बरें आती रहती हैं और पता चलता रहता है। ये तकरीबन सितंबर के आखिरी हफ्ते की बात है जब एक ख़बर आई कि अक्टूबर 6 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को नवाज शरीफ जो है ना मुल्क से बाहर जा रहे हैं चंद हफ्तों के लिए और उनको जाना है। उस वक्त सोचा ये जा रहा था कि शायद बस अभी तरमीम आई तो अभी तरमीम आई, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि तरमीम के बगैर मियां नवाज शरीफ जो है मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। अब वो तरमीम करते 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 21 अक्टूबर को वो तरमीम हुई। तरमीम होने के चंद दिन के बाद मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे किस किस्म की सियासत की जा रही है और एक दूसरे को बुरा कहा जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि डिसरिस्पेक्ट आप किसी को भी करें, किसी को भी काले चोर को भी करें तो ये बुरी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारी अखलाकियात का हिस्सा बन चुका है। बाजवा के साथ भी यही हुआ, इसके अलावा हुमायूं दिलावर वकील था उसके साथ भी ये हुआ और अब तो ये एक रूटीन बन चुकी है कि दूसरों को आपने जलील करना है, दूसरों को छोटा करके आपने बड़े बनना है। अब वहाँ पे जाहिर सी बात है पता था कि मियां नवाज शरीफ यहाँ से तैयार होंगे, वहाँ लंदन में शयान तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो है डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि मुख्तलिफ स्टेशन पे, फॉर एग्जांपल दुबई या जहाँ पे भी वो जाते हैं वहाँ पे उनके इस्तकबाल का ख़ास एहतमाम किया जाए। इस हवाले से बड़ी फुटेज भी आई वहाँ पे जहाँ नून लीग वाले अपने इस्तकबाल का एहतमाम कर रहे थे, वहीं PTI वाले भी उसके अंदर अपना गन बखेरने वहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन जहाँ हम ये देख रहे थे कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ के मुंह पे अगर लकीरें लगी हुई हैं तो यहाँ पे इमरान खान के मुंह के ऊपर भी काल के मली हुई पोस्टर जो है ना खड़े हुए हैं। एक तरफ चोरिस बैक लिखा हुआ था तो दूसरी तरफ इमरान खान के को भी बुरा भला कहा जा रहा था। बहरहाल ये एक कल्चर है, ये कल्चर है और इसका मकसद क्या है ये मेरी समझ से बाहर। लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी बेकरी वाले ने किस तरीके से काजी फाइज ईसा को चोर कह दिया और उसको लानत उसके ऊपर भेज दी। अब मैं ये देखता हूं कि हमने पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी भी शख्स की आज तक इज्जत नहीं की, वो हम देखते हैं कि वो किस साइड पे खड़ा है उसी हिसाब से हम इज्जत करते हैं। इस वक्त मैं अगर आपको ये बताऊं कि अदालती महाज के ऊपर क्या चल रहा है और उसी की लपेट के अंदर एक का रावण जस्टिस मंसूर है तो दूसरे का रावण काजी फाइज ईसा है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का साकिब निसार काजी फाइज ईसा है तो इस वक्त नून लीग का साकिब निसार जो है वो जस्टिस मुनीब और जस्टिस
मंसूर अली शाह हैं। अब सारी बातें हो रही हैं, गेम हो रही है कि जनाब किस तरीके से अब अदालत चलेगी, क्या अदालत के अंदर सुकून आ गया, क्या क्या कैसे हो गया। देखें एक बात समझने की जरूरत है, जस्टिस मंसूर अली शाह को मैंने आज से कुछ 6-7 साल पहले सीरियसली ऑब्जर्व करना शुरू किया। मेरे एंकर थे साहब का, उन्होंने मुझे बताया था कि ये मेरा क्लास फेलो एचिसोनियन है और ये एक अच्छा इंसान है, तो मैंने उस वक्त से इनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, इनके फैसलों को देखना शुरू कर दिया। इनके फैसलों में हमेशा जमहूरियत के लिए कोई ना कोई साइड मौजूद होती थी, लेकिन यहाँ हमने ये देखा कि जिस तरीके से जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन ने मिलकर किया, जिस तरह जस्टिस मुनीब और जस्टिस बंदियाल ने मिलकर किया, और जिस तरीके से सियासत एक चलती आ रही थी अदालत के अंदर, उसी तरीके से जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह भी इन्वॉल्व हो गए। इसको जस्टिस मंसूर अली शाह का जाती मसला बना दिया गया, बताया गया कि जनाब आपको अब चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, और इस तरीके से हुआ ये कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह उस दायरे से बहुत बाहर निकल गए, उस दायरे से बहुत बाहर निकल गए जिसके अंदर उनको रहना चाहिए था, और जिस तरीके से उन्होंने फिर उसकी एक वजाहत दी, फिर दूसरी वजाहत दी कि फौरी तौर पर आप जनाब करें, और 3 लेटर जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ लिख दिए, 2 लेटर जो है जस्टिस मुनीब ने काजी फाइज साहब के खिलाफ कर दिए, और काजी फाइज साहब के साथ वही हुआ जिसकी उन्होंने मिसाल सेट की थी आने से पहले, जिस तरीके से उन्होंने लेटर जस्टिस बंदियाल को लिखे थे, उसी तरीके से ये प्रोसेस जो है ये पिछले 6 माह से ये इस तरह ही चलता आ रहा है, और जमहूरियत जो है और अदलिया का जो है वो एक तरह से स्टेक पे लगी हुई है। यहाँ पे किसी को कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ पे लोग जिंदगियां कैसे गुजार रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक की अना को तस्कीन पहुंचाई जा रही है कि ये देखो चोर का हम क्या आशर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये तस्कीन पहुंचाई जा रही है कि ये देखो ये 8 का 8 का टोला, इसके अंदर ये 2 जज बहुत दो नंबर ऐड कह के वीलॉग्स के अंदर कहा जा रहा है, ये दो नंबर। और हम आमतौर पर हम देखते हैं कि एकदम से FIA भी एक्टिवेट हो जाती है, और FIA भी एक्टिवेट जो है वो मखसूस हिसाब किताब लगा के होती है कि किसके के खिलाफ के बात की है और किसके खिलाफ नहीं की, और किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। अब ये सारी की सारी सियासत चल रही है। अब जो काजी फाइज साहब ने गलत किया, मैं ये समझता हूँ कि काजी फाइज साहब वही काजी फाइज साहब हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े थे, वो तमाम के तमाम लोग जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से इस वक्त तहरीके इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, और वो अपनी एक फ्लो के अंदर जा रहे हैं, वो ये सोचें कि यही काजी फाइज साहब था जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरल फैज के खिलाफ खड़ा हुआ था, उस वक्त की हुकूमत ने किस तरीके से इसके ऊपर रेफरेंस दायर किया था, और किस तरीके से ये लड़के इन्हीं जजिस से फैसले लेके, याया अफरीदी ने एक दफ़ा इनके खिलाफ फैसला दिया, दूसरी दफ़ा इनकी फेवर में दिया, इसी तरह दीगर जजिस भी थे, करके वो वापस आया, और उसके बाद जो या जो जो जिस फैसले का मुझे खुद अफसोस हुआ था कि यार कम से कम ये नहीं होना चाहिए था, और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये होगा, वो ये था कि आपने बल्ले का निशान जब तहरीक इंसाफ से छीना, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये एक कारी जरब ऐसी लगाई गई है। देखें कानून की आंख पे पट्टियां बंधी हुई होती हैं, और जो इंसाफ की देवी होती है उसके हाथ में तराजू होता है, और वो सिर्फ तोल के, ये एक कंसेप्ट है अदलिया का कि वो सिर्फ तोल के, शवाहिद को तोल के अपना फैसला करते हैं, लेकिन यहां हम ये देख रहे हैं कि यहां पे जमीर एकदम से जाग जाता है, जो चीजें खुद अपनी सही और गलत लग रही होती हैं उसके हिसाब से फैसले करना शुरू कर देते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो हकीकत है वो जानना नामुमकिन है। यहां पे परसेप्शन प्रिवेल करती है, जिस भी चीज की परसेप्शन आप एक दफा कायम कर देंगे कि इमरान खान बहुत ईमानदार है, बच्चे जनाब बच्चों के सॉर्ट, बड़ों के सॉर्ट, औरतों के सॉर्ट, रोने के सॉर्ट, जज्बात के सॉर्ट, वो एक तरह से एक फील, एक महात्मा बन जाता है कि जनाब ये तो इमरान खान साहब है, जिस तरह हम कहते हैं जनाब ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, तो वो इसी तरीके से एक हमारे दिमाग के अंदर एक तस्वीर खींच जाती है। और सोशल मीडिया इतना अकलमंद है कि एक दफा आप इमरान खान के खिलाफ वीडियो देख लें तो वो तमाम की तमाम वीडियोस जो इमरान खान के खिलाफ की जाती हैं वो आपकी टाइमलाइन पे आना शुरू हो जाएंगी, वो आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा कि ये कंटेंट देखें। और जब आप किसी एक खास किस्म के माहौल में गुम हो जाती हैं, एक ऐसे बंद कमरे के अंदर कैद हो जाती हैं जहां पे इंफॉर्मेशन का फ्लो सिर्फ एक साइड से आ रहा होता है, तो वहां पे आप गुमराह हो जाते हैं, वहां पे आपकी एनालाइज करने की जो सेंस है वो बिल्कुल एक तरह से माउफ हो जाती है, और आप बाइस्ड ओपिनियन हो जाती है, और आप
हर लिहाज से कहते हैं कि ये जस्टिस काजी फैसल ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरे कहते हैं ये जस्टिस मंसूर है ही दो नंबर, ये इनसे मिला हुआ है, ये इसको इमरान खान को वापस निकालना चाहता था। और फिर आप उसी तरीके से इन चीज़ों को आप यकीन करते हैं। बहरहाल अगले आगे मैं आपको बता दूं कि जस्टिस याह्या अफरीदी के तर्ज अमल के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। मंडे के रोज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है, बहुत ज़्यादा ही अहम है। यहाँ पे जजेस के खिलाफ जितनी भी कंप्लेंस वगैरह होती हैं वो सुनी जाती हैं, और इस तरीके से एक तर्ज अमल देखना भी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अक्सर जो है वो बहुत ही इनएक्टिव रही है। लास्ट हमने देखा है कि किस तरीके से एक जस्टिस साहब को, ट्रक वाले जस्टिस साहब को जिनके लिए ट्रक खड़ा हुआ था, उनको मुजाहिर नकवी साहब के लिए कोर्ट अमल में आई थी, और किस तरीके से उनको जो है ना से उनके इस्तीफे को नाकाफी करार दिया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, देखते हैं इसकी क्या बुनियाद रखी जाती है। इससे अगला जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जब आपके लोग, तीन लोग हैं, तीन में से दो ने जो फैसला करना है वही फैसला होना है। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह कहेंगे कि इस केस के अंदर ये बेंच होना चाहिए, इस केस की समाअत फौरी तौर पे होनी चाहिए, इसको इस तरीके से होना चाहिए। अब देखना यह है कि आईनी अदालत का जो सरबराह है वो कितनी जल्दी और किस तरीके से चूज किया जाता है। कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर भी थोड़ा सा तोहम रह गया है कि वो किसको चुनना है, किस तरीके से चुनना है, उसका तरीकाकार क्या है। बहरहाल ये भी अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। यही इसीलिए कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम जो है वो जल्द आने वाली है। उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, राणा सनाउल्लाह ने काफ़ी इस हवाले से इंकशाफात किए हैं, इस हवाले से बैरिस्टर अकील ने भी काफ़ी इंकशाफात किए हैं। लेकिन इस तरीके से मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब को कमेटी के अंदर लाना और अपना एतमाद के साथ मूवमेंट करना, ये जस्टिस याह्या अफरीदी की एक पॉजिटिव एक्शन है। दूसरा एक्शन उनका यही होना था। अब जाहिर सी बात है उनके पास तो दूसरा हथियार है ना। वहाँ हमने ये देखा था कि किस तरीके से जस्टिस मंसूर ने और जस्टिस मुनीब ने काजी फैसल को एक तरह से बांध के रख दिया था और उनको एक तरह से मफलूज कर दिया था, जिसके बाद ये आर्डिनेंस लाना गया था। लेकिन अब इस वक्त हम ये देख रहे हैं जस्टिस याह्या अफरीदी के पास दोनों हथियार मौजूद हैं, वो बवक्त ज़रूरत दोनों हथियार यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी एक जज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो जाहिर सी बात है अमीनुद्दीन जो है या उनसे अगले तैयार होंगे कमेटी में आने के लिए, और कोई भी एक हम ख्याल जज अपने साथ मिलाना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर, ये चीफ जस्टिस के लिए अब कोई मुश्किल अमल नहीं रहा। तो इसलिए उन्होंने पहले एक सेफ साइड खेलने की कोशिश की है, मसला ख़राब होगा तो उसको डील कर लिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर भी इंसदाद दहशतगर्दी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग रखी है, फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया है। फुल कोर्ट के अंदर क्या होगा जाहिर सी बात है मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। तमाम जजेस साथ बैठे होंगे, जेस्चर्स देंगे। वैसे भी लाइव स्ट्रीमिंग के आर्डर जो है वो दे दिए हैं जस्टिस याह्या अफरीदी ने। पहले सिर्फ कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग होती थी, अब तमाम अदालतों के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के अहकाम दे दिए गए हैं। तो ये वो इकदाम है जो जस्टिस याह्या अफरीदी के तर्ज अमल और उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी को जानने के लिए तकरीबन काफ़ी है, और आने वाला एक हफ्ता जो है इस सारे मामलों को, वर्किंग हफ्ता, इसको इन सब को क्लियर कर देगा। अब कहना कहने की बात यह है कि क्या अदलिया को में सुकून आ जाएगा। अब देखना यह है कि किस तरीके से जस्टिस याह्या अफरीदी बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है, वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर रिहा हुई हैं, कोई डील नहीं हुई, और अब आइंदा भी कि जो भी मेरिट के ऊपर फैसला होगा उसके अंदर रुकावट नहीं डाली जाएगी। इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको मज़ा चखाने का, और इनको या वो समझते हैं कि बस चखा दिया मज़ा जितना चखाना था, या मज़ीद जो है उनको परेशान करने का कोई प्लान नहीं है। ये आने वाला वक्त ये साबित करेगा और बताएगा कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जब गुस्सा आया टांग दो, जब गुस्सा हल्का हुआ हटा दो, ना कोई कानून है ना कोई सिस्टम है। और जब तक इस तरीके से आप अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर आप फैसला करते हैं, वो फैसले इंस्टिंक्ट के ऊपर, ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टिंक्ट जो है आपकी वो हमेशा ही सही हो। तो ये चीज़ भी अभी देखते हैं इस हवाले से क्या चीज़ें चलेंगी। लेकिन बहरहाल असल सवाल कि जनाब जस्टिस काजी फैसल क्यों गए, मैंने नवाज शरीफ का तो आपको बता दिया था, उसके बाद फिर मैं अदलिया से घूमता हुआ अब यहाँ पे वापस दोबारा अदलिया में आ गया हूँ कि जस्टिस काजी फैसल ईसा का कि ये अगले दिन रिटायरमेंट ये कैसे चले गए। यार आप उसको दूसरे तरीके से भी तो देखें कि उस बंदे ने इंतजार किया, उस बंदे ने इंतजार किया कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद जाऊंगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिसोर्सेज हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब आप बताएं ये किस तरीके से हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये गए हैं। अब उन्होंने कहा जी कि मई के अंदर जो है जस्टिस काजी फैसल ईसा को शिरकत की दावत दी गई थी मिडल टेंपल्स की जो है इंतजामिया। मिडल टेंपल्स के बारे में मैं आपको बता दूं
कि अच्छा ये पहले मैं बात अपनी कंप्लीट कर दूं कि मई में ऑफर आई थी, उन्होंने कहा था जी मैं 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के बाद आऊँगा, वो उसके इनके आज़ाद में इशाइया देना चाहते थे और वो इशाइये की डेट फिर जो है 29 अक्टूबर की रखी गई इनकी ख्वाहिश के ऊपर। जाहिर सी बात है जब आपने किसी से 6 महीने पहले कमिटमेंट की हो तो आपका जाना बनता है और आपको जाना चाहिए। उसका बात का बतंगड़ बनाना, लोगों को गलत साइड के ऊपर गुमराह करना, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को छोटा कर रहे हैं, लोगों की सोच को छोटा कर रहे हैं, इसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और मज़ीद बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हम गुमनामी और गुमराही की अंधेरों में इस सोच के साथ डूब सकते हैं। तो अब वो जा रहे हैं, चले गए वो फौरी तौर पे वहाँ पे। अब उसके अंदर ये है कि जो मिडिल टेम्पल्स हैं उसकी 4 इंस हैं, जिस तरह लिंकन इंस, उसमें मैं बताता हूँ कि कादी आज़म मोहम्मद अली जना ने वहाँ पे एजुकेशन हासिल की थी। ये जो मिडिल टेम्पल्स हैं इसकी 4 इंस हैं और आपने अगर बैरिस्टर बनना है तो आपको इन में से किसी एक के साथ मुंसलिक होना पड़ेगा और ये जो अपने ग्रेजुएट्स हैं उनको ये लेसेंस फ्राहम करते हैं और उन्होंने इनके एजाज़ में एशाइया दिया हुआ है और उन्होंने इंतज़ामिया ने इनको बेंचेस के अंदर शामिल किया है। ये 14वीं सदी की ये इदारा है ये, और ये बरतानवी कानूनी निज़ाम के मरकज़ में एक अहम मकाम रखता है। हमें तो खुश होना चाहिए कि यार हमारे बंदे को जनाब बेंच के अंदर शामिल किया गया है। हीरो तो हमने बनाना नहीं, हमने ज़ीरो बनाना है। अगर हमने किसी को हीरो बनाना है तो अपनी सोच अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाना है, वरना हमारी नज़र के अंदर यहाँ पे कोई भी हीरो नहीं है। अब यहाँ पे ये 4 इसकी इंस हैं और चारों की चारों जो है ये मौतबर कानूनी इदारों में से ये एक है जिन्हें ऑनर ऑफ कोर्ट कहा जाता है। इनके मेम्बरान में ना सिर्फ बरतानवी बल्कि जो मशहूर हैं सर थॉमस मोर, एडमंड बर्क और महात्मा गांधी जो है ना, उन्होंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की गई है। और यहाँ पे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को क्यों शामिल किया गया है? जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को यहाँ पे इसलिए इस बेंच के अंदर शामिल किया गया क्योंकि उनके वालिद साहब ने भी वहाँ से एजुकेशन हासिल की थी, वो खुद भी वहाँ से एजुकेशन हासिल कर चुके हैं और अब उनकी बेटी भी वहाँ से एजुकेशन हासिल कर रही है। तो उनकी 3 नस्लों का वहाँ से ताल्लुक है, जाहिर सी बात है इतना एजाज़ तो उनका बनता है। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, कायदे आज़म जो है वो लिंकन्स इंस के रुकन थे और अब वो काजी फ़ायज़ ईसा को मिडिल टेम्पल इंस में बतौर बेंचेस जो है वो शामिल किया जा रहा है, जो रुकन बनने से ज़्यादा बड़े एजाज़ की बात है। और ये इदारा वकला को 12वें शमूलियत के लिए तरबियत और लसेंस फराहम करता है। बताएं अब ये चला गया तो यार इसके अंदर ऐसा क्या हो गया? अब ये बात खबर आई है तो जाहिर सी बात है कब्र तक पीछा होगा। कब्र तक पीछा क्यों होगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ के ये हथियार हैं, ये तहरीक इंसाफ के हथियार हैं नफरत और बदतमीजी, डिसरिस्पेक्ट करना, बाजवा के साथ किया और पता नहीं किस किस के साथ किया, खाना काबा तक के की जगह पे जाके इन्होंने ये हरकतें की और यहाँ पे भी सियासत को आगे रखा और मजहब को पीछे रखा। तो अब मैं इस बारे में देख रहा था कि यार ये गलत है या सही है, तो मेरे जहन में एक ही चीज़ आया कि किसी की तजहीक के ऊपर फ़खर किस किस्म का इंसान कर सकता है, और जो तोहमत है वो तो एक तरह से एक अजाब है, और ऐसी गलती जो किसी में मौजूद है और वो उसे गंदा करने की नीयत से करे, क़यामत के दिन अल्लाह उसे रुसवा करेगा। जब हमारे मजहब ने इस चीज़ के बारे में कह दिया तो हम किसी भी लिहाज से किसी भी ज़रूरत के मुताबिक उसको सही किसी भी लिहाज से हम नहीं कर सकते। तो अब क्या है जी, कासिम सूरी साहब ने ऐलान अपनी ट्वीट किया और जिसके मुताबिक जो है वहाँ पे सॉलिडेरिटी शो करनी है आपने अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स के साथ, और आपने वहाँ पे एहतजाज करना है और जाके दिखाना है पाकिस्तान का गंद आपने मिडिल बेंचेस के अंदर एक मौजूद दायरे के अंदर कि हम किस तरह के लोग हैं, हमारा तर्ज अमल क्या है, हमारी तर्ज फिक्र क्या है, हमारा रवैया क्या है। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो है ये इस तरीके से डील की जा रही हैं। अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, कि 27वीं जो तरमीम है वो क्यों आ रही है, उसके पीछे क्या मकासद है, किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और अब ये कब तक 27वीं तरमीम ओके हो जाएगी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या उसके अंदर मिलिट्री कोड भी होगी। लेकिन अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।